आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका जो सीज़न है वो बरसात में शुरू होता है, यानी फ्लावरिंग उन पर बरसात में होती है, लेकिन उनकी तैयारी, उनकी प्रिपरेशन हमें अभी करनी होती है। इन्हीं में से हमारी जो है वो मोगरा का प्लांट होता है, क्योंकि मोगरा पर जो फूल है वो अप्रैल या मई के बाद आना शुरू होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपने प्लांट की केयर के लिए उसको अभी से प्रिपेयर करना होता है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अपने मोगरा की स्थिति क्या है, हमको उसकी केयर किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा मोगरा का प्लांट रखा हुआ है, ये जैस्मीन का हमारा प्लांट है, और इस पर गंदगी इसके पत्तों पर जमी हुई है, क्योंकि इसका सीज़न बहुत दिनों से ऑफ था, तो इस पर ये कीट सी जम गई है, लेकिन नई ग्रोथ भी आपको इस पर दिखाई दे रही होगी। तो इसकी नई ग्रोथ है, तो अब हमको इसकी केयर कैसे करनी है, इसमें खाद क्या क्या डालना है, वो सारा आज हम इस वीडियो में पूरा मेथड भी देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको अपने प्लांट को थोड़ा साइड में बीच में लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसमें जो घास वगैरह था वो तो हमने इसका निकाल दिया है, पहले इसको पूरी तरह से, यानी इसमें आपके प्लांट में जो भी घास वगैरह निकला हो उसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी थोड़ी गुड़ाई करते हैं। और चूँकि जब दोस्तों हम इसकी गुड़ाई करते हैं तो इसमें मिट्टी फिर कुछ ज़्यादा दिखाई देने लगती है, तो ऐसा होता है कि पूरा गमला उससे भर जाता है, तो हमको फिर करना ये है कि उस मिट्टी को, फालतू मिट्टी को कुछ निकाल देना है। तो पहले इसकी कम से कम 2 से 3 इंच की गहराई तक हम इसकी गुड़ाई करेंगे, खोदेंगे इसको, उससे ये होगा कि जो इसका एक तरह से जड़ों का जाल बहुत ज़्यादा फैला होता है वो साइडों से वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी रूट बाउंडिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी। आप अगर चाहें तो इसको पूरी तरह से रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करें कि अगर आपके प्लांट की रूट बाउंडिंग आपको दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर रूट बाउंडिंग ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गुड़ाई से काम चल सकता है। तो अब इस तरह से आप देखें कि जो मिट्टी हो गई है, हम इसको कुछ मिट्टी को निकालेंगे इससे, तो इसमें से जो फालतू की मिट्टी है उसको हम निकाल लेते हैं अभी गमले से, और उसके बाद हम इसमें गोबर का खाद डालेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि हमने लगभग 2 इंच से ज़्यादा गमले को खाली कर दिया है। अब थोड़ा और इसको एक बार हल्का सा खोद देंगे, जिससे मिट्टी जो है वो नीचे की टाइट ना रहे। ये आप इस तरह से इसको खोदने के बाद अब हम इसमें थोड़ा खाद डालेंगे। ये खाद ये देख सकते हैं आपके गोबर का खाद हमारे पास है, और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ खाद है, तो हम इसको अपने प्लांट में डालेंगे। इस तरह से हमको इसमें एक मोटी लेयर खाद की बिछा देनी है। चारों साइड हमको इस तरह से खाद की एक लेयर बिछा देनी है, और फिर इसके ऊपर से जो हमने मिट्टी निकाली थी उसकी एक लेयर बना देनी है। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी है इसको, बस हमको कवर कर देना है मिट्टी से, और थोड़ा थोड़ा इसको पुश कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमको इसमें खाद, ये गोबर का खाद डालना है, और एक बार जब हम अच्छी तरह इसमें एक सीज़न में खाद दे देंगे तो फिर गोबर का खाद दोबारा देने की हमको इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से खाद देकर इसमें एक बार पानी डाल देंगे, और फिर दोस्तों हमको करना क्या है कि 10 से 15 दिन के गैप के साथ इसमें हम जो केमिकल वाले खाद होते हैं, केमिकल वाले फर्टिलाइज़र होते हैं, वो डालेंगे। तो दोस्तों, अब इसमें इसको पूरी अच्छी तरह से हम धो देते हैं, इसमें पानी भी डाल देंगे। पानी इसमें इस तरह से डालना है कि गमला एक बार पानी से भर देंगे, जिससे कि निचली सतह तक इसमें पानी पहुंच जाए, और पूरे प्लांट को हम बिल्कुल अच्छी तरह इसको साफ़ करके धो देंगे। और दोस्तों, चूंकि गर्मी का सीज़न है तो हम सभी प्लांट को पानी के फव्वारे की मदद से धोना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो गर्मी होती है, बर्निंग होती है सूरज की, वो उससे धुल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।